So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Saurabh and you're watching S2K Blog. So guys, आज का डेट है 4th April 2021, संडे है और मैं निकल पा रहा हूँ एक राइड पे. So आज जहाँ पर मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है गिद्दा पहाड़. ये जगह पड़ता है करशंग जाने से पहले और सिलीगुड़ी से इस जगह का डिस्टेंस है अराउंड 38 किलोमीटर. So अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मैं निकल पा रहा हूँ राइड पे. तो गाइस, अगर आप लोगों को गिद्दा पार आना है तो आप लोगों को जो रूट लेना है वो है तिंधरिया वाला रूट, दार्जिलिंग जाने के लिए जो रूट पड़ता है तिंधरिया वाला. और तो चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा रूट पकड़ के आप लोगों को जाना है गिद्दा पहाड़. तो गाइस, दार्जिलिंग मोड से आप लोगों को लेना है राइट टर्न और रूट पकड़ना है सीधा सालवाड़ी बाजार तक. क्या इसको बोलते हैं सालवाड़ी मार्केट. और यहाँ से मुझे सीधा चलते जाना है स्टेट टू सुपना रेलवे स्टेशन तक. तो गाइस, इस जगह से दार्जिलिंग का डिस्टेंस है 69 किलोमीटर, कर्शियम का डिस्टेंस है 36 किलोमीटर और मे का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और मुझे स्ट्रेट चलते जाना होगा. तो गाइस, मेरे लेफ्ट साइड से जो ये रूट चला जा रहा है ये जाता है रोहिणी वाला रूट और मुझे जाना है स्ट्रेट ताकि मैं पहुंचूं सुपना रेलवे स्टेशन और वहां से सीधा तिंधरिया वाला रूट पकड़ के मुझे जाना है गिद्दा पहाड़. तो गाइस, मेरे राइट साइड में है सुपना रेलवे स्टेशन और उसके लेफ्ट साइड में है हिल स्टेशन और मैं अभी सीधा निकल जाऊंगा रोंगटोंग फॉरेस्ट के रूट पकड़ के तिंधरिया के लिए. तो गाइस, तिंधरिया वाला जो ये रूट है ये नॉर्मली खाली ही रहता है क्योंकि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ करशियांग या दार्जिलिंग के लिए जाता है वो रोहिणी वाला रूट होके जाता है. और पहले तो ये वाला रोड थोड़ा ख़राब था पर अभी तो रोड भी बहुत ही बढ़िया बना दिया है और संडे राइड के लिए ये काफ़ी अच्छा रूट है क्योंकि रोड्स अच्छे हैं और माउंटेन के साइड से रोड है और मेरे राइट साइड में आप देख ही सकते हो क्या बढ़िया व्यू दिख रहा है मुझे. अभी थोड़ा सा फॉग है या क्लाउड है तो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए माउंटेन्स आपको दिख नहीं रहा है वरना यहाँ से माउंटेन भी बहुत क्लियर दिखते हैं. और अभी मेरे को क्योंकि गिद्दा पहाड़ जाना है तो गिद्दा पहाड़ अभी पड़ेगा यहाँ से और 3 किलोमीटर आगे. गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा. तो गाइस, मेरे लेफ्ट साइड में गिद्दा पहाड़ का बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ से मुझे अभी लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेके ऊपर की तरफ जाना है. तो पहले जब मैं आया था काफ़ी सालों पहले तो यहाँ पर रोड थोड़े ख़राब थे, अभी तो लग रहा है रोड अच्छा हो गया पूरा. और ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है क्योंकि बहुत ही नैरो रोड है और स्लो है तो थोड़ा यहाँ पर स्लो चलाना ही बेटर है. और ये आते जाते जो एक टर्न्स आते हैं यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. तो चलिए ऊपर तक चलते हैं.
सो गाइस अभी मैं पहुंच गया गिद्दा पार्क। मेरे मेरे सामने है गिद्दा पार्क व्यू पॉइंट, और इधर पीछे अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे और वहां से लेंगे ड्रोन शॉट। तो अभी तो पहले मैं अपना बाइक पार्क कर लेता हूं। और गाइस यहां से व्यू काफ़ी खूबसूरत है, मतलब क्या ही बताऊं, जब तक आप खुद नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो अभी टी गार्डन के अंदर जाते हैं वहाँ पर और जाके लेते हैं अच्छे से कुछ ड्रोन शॉट। सो गाइज आई होप आप लोग को ये ड्रोन शॉट अच्छा लगा, और अभी मैं जाऊंगा गिद्दा पार्क व्यू पॉइंट में जो कि और थोड़ा ऊपर। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। गाइज कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रोन शॉट कैसा लगा। तो गाइज मेरे लेफ्ट साइड में जो ये कंस्ट्रक्शन एरिया दिख रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पर एक रोपवे बन रहा था, पर अभी तो कंस्ट्रक्शन का बंद है काफ़ी सालों से। अगर यहाँ पर ये रोपवे बन गया तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा रोपवे से। और गाइस अभी मैं पहुँच गया गिद्दा पार्क व्यू पॉइंट। यहाँ पर बाइक पार्क करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये जो सीधा रोड है ये चला जाता है कर्शियम के लिए, जिस रोड से मैं वापस जाऊँगा, और सीधा रोहिणी वाला रूट होके मैं निकलूंगा सिलीगुड़ी के लिए। सो गाइस यहाँ ऊपर से तो नज़ारा क्या ही बताए, कितना खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हो पूरा माउंटेन्स यहाँ से दिख रहा है, और ये रोपवे भी यहाँ से दिख रहा है। और ये तो बस इसका एक मतलब सेकंड पार्ट है। इसके ऊपर और एक एरिया है जहाँ पर एक बैठने का जगह है, प्लस वहाँ से मतलब एक्चुअल व्यू दिखता है जहाँ पर अभी जाके हम लोग ड्रोन शॉट लेंगे। बट यहाँ नीचे से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी चलिए थोड़ा उस साइड भी जाते हैं और देखते हैं वहाँ से उस साइड से कैसा लगता है व्यू। और यहाँ पर काफ़ी ज़ोर से हवा चल रहा है।
भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से, मतलब क्या ही बोल। तो गाइस अभी मैं आ गया इसके एकदम ऊपर वाले पार्ट पे और यहाँ से मैं अभी लूँगा एक अच्छा सा ड्रोन शॉट। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बैठने का जगह है। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये ड्रोन शॉट अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ड्रोन शॉट कैसा लगा। और गाइस जैसे कि आप लोग देखिए कि इस ये गिद्दा पहाड़ व्यू पॉइंट कितना बढ़िया दिखता है। अगर आप लोग फॉगी टाइम, फॉग रहेगा, क्लाउड्स रहेंगे तो इतना अच्छा व्यू नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा सनी टाइम पर आओगे तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है यहाँ पर। सो गाइस अगर आप लोग सिलीगुड़ी से हो और या सिलीगुड़ी के बाहर भी हो और आप लोगों को संडे राइड के लिए आना है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में, तो गिद्दा पहाड़ एक काफ़ी अच्छा व्यू स्पॉट है जहाँ पर आप लोग आके चिल कर सकते हो। सो गाइज गिद्दा पहाड़ में आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि दार्जिलिंग जाने से और कर्सियंग जाने से पहले ये काफ़ी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ का व्यू तो आप लोग देख ही चुके हो कि कितना बढ़िया लगता है यहाँ पर व्यू। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी भी रीज़न से आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे कंटेंट बनाऊं और आपको लोगों के लिए ला पाऊं। थैंक यू, टिल देन सेफ राइड सेफ लाइफ।